जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी ये देखिए भाई, अंदाजा लगा सकते हैं कि नेपाल में कलाकृति को कितना जोर दिया गया है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, कला को आप यहाँ पे मंदिर, यहाँ की बिल्डिंग्स भाई बहुत ज़्यादा, और यहाँ की डिजाइन देखो। अभी ये अंदर है मैडम, तो भैया आपको नेपाल में हम जूस का दाम और बता देते हैं, कितने का जूस है। भैया जी, मौसम्मी का जूस कितने का दिया है? 120 का। इंडिया का कितना हो जाएगा? इंडिया का हो जाएगा आपको 70 रुपीज़। 70 मतलब इंडिया का रहता है 100 रुपये और यहाँ का 160 रुपये। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले वैसे? हम इंडिया का, बिहार का। बिहार से हो तो भाई, अनार का जूस कितने का है? अनार का 250 नेपाली, 250 नेपाली। इंडिया का हो जाएगा करीब 150 रुपये। 150 रुपये तो भैया यहाँ पर थोड़ी सी महंगाई है जूस के मामले। इंडिया से आता है तो महंगा। हाँ, इंडिया महंगाई का रीजन क्या है, मेन रीजन? इंडिया से फ्रूट सब आता है, सारा सामान इंडिया से आता है। इंडिया से ही आता है, थोड़ा पहाड़ी एरिया भी है ना। हाँ, पहाड़ी एरिया भी है, यहाँ पर कम होता है, इंडिया से आता है। हाँ, सारा सामान मैक्सिमम इंडिया से आता है। हाँ, मैक्सिमम इंडिया से। आप भी इंडिया के लग रहे हो? बिहार का है, बिहारी जिला का भाई। भी मैं पहचान लिया भाई, इंडियन बिहारी अपने जो है बहुत लोग हैं भाई, बॉर्डर साइड के होंगे शायद आप। तो भाई ये यहाँ पर है, रेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेब का क्या रेट चल रहा होगा? यहाँ पर 350 रुपये के जी। 385 नेपाली। नेपाली, अच्छा। और पपीता? पपीता 150 रुपये के जी। अच्छा, और केला? केला भी 150 रुपये दर्जन। अच्छा, और संतरा? संतरा 180 रुपये के जी का। तो देखा जाए तो लगभग थोड़ा बहुत फर्क होगा। हाँ, थोड़ा सा महंगा है। एक गिलास बना दो। नारियल कितने का दिया भैया? नारियल 200 का। गन्ने का जूस? गन्ने का जूस 60 का। गन्ने का जूस 60 रुपये का। तो भाई ये है, आप देख पानी आपका काफ़ी सस्ता है। ये जूस कितने का हो गया मौसमी का? 120 रुपये नेपाली। तो भाई ये मौसमी का जूस हो गया 120 रुपये नेपाली। तो रुद्राक्ष की दुकानें दिखा देते हैं। तो ये असली रुद्राक्ष है क्या? ये आपको अंदर का दिखा सकते हैं क्या वीडियो? तो भाई ये है देखो, असली रुद्राक्ष यहाँ का। देखिए कितने बड़े बड़े भाई रुद्रा। ये रुद्राक्ष है क्या सभी? हैं, बोगी? तो भाई बोगी या कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं। और देखो ये रुद्राक्ष है ना, ये तो भाई रुद्राक्ष है। देखो कितना बड़े बड़े रुद्राक्ष, ये इतनी बड़ी बड़ी माला है। देखो भैया ये असली रुद्राक्ष मुझे लग रहा भाई नेपाल में ही मिलेगा। और ये पीतल के है ना, बेला बहुत हैं भाई यहाँ पर। ये देखो बेला से ना, ये कितने बड़े बड़े बेला हैं। ये रुद्राक्ष आप कहाँ से देखो, ये रुद्राक्ष है भाई यहाँ पर। ये रुद्राक्ष देखिए कितना रुद्राक्ष भैया। ये रुद्राक्ष कहाँ से आपको, यही नेपाल में पैदा होते हैं ये पहाड़ों पर? हमारा फार्म ही है। आपका फार्म है? अच्छा अच्छा अच्छा, ये इनका भाई फार्म है जो बोर्ड पे लगा हुआ है। इनका नंबर भी दिया है नीचे, आप चाहें तो इस नंबर पे भाई कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं। इंडिया में भी पार्सल हो जाता है। यहाँ पर रुद्राक्ष किलो के हिसाब से मिलता है या पीस के हिसाब से मिलता है या साइज के हिसाब से? हर कुछ होता है, पीस के हिसाब से भी होता है, साइज के हिसाब, क्वालिटी के हिसाब, मुकदार का हिसाब, सब होता है। मतलब ये किलो के हिसाब से, साइज के हिसाब से, साइज क्वालिटी का हिसाब से होता है, मुख का हिसाब, मुकदार का हिसाब से होता है। तो जैसे किस हिसाब में हम मापेंगे, जैसे छोटा रुद्राक्ष सबसे वो महंगा पड़ेगा या बड़ा रुद्राक्ष महंगा पड़ेगा? कोई सस्ता भी, छोटा भी महंगा पड़ेगा, कोई बड़ा भी महंगा पड़ेगा, बड़ा भी महंगा पड़ेगा। तो एक किलो में सबसे छोटा रुद्राक्ष कितना पीस आ जाता होगा आपका? किलो में नहीं जाता है क्या? माला में जाता है। माला में जाता है। तो एक माला है सबसे छोटे रुद्राक्ष की कितनी मिल जाती होगी? लगभग 500-600। और बड़े रुद्राक्ष की? 30,000-40,000-50,000। उसकी क्वालिटी अलग रहती है, क्वालिटी में ऐसा क्या रहता है वो? तो उसका मुख अलग रहते हैं ना, मुखी रहते। तो भाई ये रुद्राक्ष की इनकी दुकान है, यहाँ पर रुद्राक्ष पैदा होते हैं। और ये भाई बोल रहे हैं कि रुद्राक्ष यहीं पर ही, मतलब 500 रुपये का एक छोटी सी माला है छोटे रुद्राक्ष वाली, और बड़ी की भाई 30,000-40,000 तक की है। इस तरीके के रास्ते हैं, आई थिंक राइट साइड से भाई हमको जाना पड़ेगा, पूछ लेते हैं एक बार। ये
ये देखिए फोनर्स लोग बहुत हैं यहाँ पर, हिंदी लगा रखी है इन्होंने तो। यहाँ पर भाई खाने वाने की चीज़ है, आई थिंक यही रास्ता जाता है, पूछना पड़ेगा भाई, पूछना तो पड़ेगा।